कर्नाटका स्टेट का अभी मोपअप चल रहा है, और कर्नाटका स्टेट के मोपअप की जब आप कट ऑफ सुनोगे तो एकदम से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका स्टेट एक अच्छे एजुकेशन के लिए जाना जाता है। इसमें जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही थी वो आपको पता ही है, 591 मार्क्स रही थी। सेकंड राउंड की जो कट ऑफ रही थी 585-583 मार्क्स रही थी। लेकिन जो अभी मोपअप चल रहा है इसमें तकरीबन सीटें फिल हो चुकी हैं, और जो इसकी कट ऑफ आप देखेंगे तो बहुत ही आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि अभी तक ऑल इंडिया रैंक के 90,000 तक अलॉटमेंट हो चुका है, और यहाँ जो 90,000 तक अभी सीटें बची हुई हैं वो 38 सीट्स अभी बची हुई हैं जो कम फीस वाली कॉलेज की हैं। यानी कि जो 9,94,406 रुपीज की जो सीटें बची हुई हैं वो 38 सीट्स अभी भी 90,000 ऑल इंडिया रैंक खत्म होने के बाद इतनी सीटें बची हुई हैं। इसके बाद में हम देखें 82 सीट्स वैकेंट रह रही हैं, वो 82 सीट्स हाई फीस वाली कॉलेजें 16 से 20 लाख के बीच में जो कॉलेजें हैं, चार कॉलेज हैं, अधि चुनचुनगिरी है, एसडीएम धारवाड़ है, इसके बाद में जो डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर है, उन कॉलेजों की ये सीट बची हुई है। मैं आपको अलग अलग सीट बता देता हूं जो 90,000 के बाद में वैकेंट रही हैं। इसमें हम बात करें गुलबर्गा की, तो गुलबर्गा में ओपन की 9 सीट्स बची हुई हैं, ये ख्वाजा बंदे हाई फीस वाली कॉलेज है। इसके बाद में चित्रदुर्ग की जो कॉलेज है वो लो फीस की है, 10 सीट्स बची हुई हैं। अधि चुनचुनगिरी की 25 सीट्स बची हुई हैं, हाई फीस की है ये कॉलेज। विजयपुर लो फीस की कॉलेज है, 2 सीट्स बची हुई हैं। बागलकोट लो फीस की है, इसमें 9 सीट्स बची हुई हैं। एसडीएम धारवाड़ हाई फीस की है, 18 सीट्स बची हुई हैं। केवीजी जो सूलिया है वो 8 सीट्स इसमें बची हुई हैं, लो फीस की कॉलेज है। श्री देवी टमकूर की इस बार काफी लो कट ऑफ जा रही है, 9 सीट्स इसमें बची हुई हैं अभी तक, ये भी लो फीस की है। इसके बाद हाई फीस की जो कॉलेज है डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर है, इसमें भी 30 सीट्स बची हुई हैं। तो इस प्रकार से ये 120 सीट्स अभी तक बची हुई हैं। इसमें 82 सीट्स हैं वो हाई फीस की हैं और 38 सीट्स लो फीस की हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कर्नाटका का मोपअप राउंड है वो 18 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुआ था, और इसमें सबसे पहले 18 दिसंबर को एनआरआई की सीटें फिल की गई थी। अभी ये एनआरआई की सारी सीटें फिल नहीं हुई हैं और इनको कन्वर्ट कर दी गई हैं अदर कोटा में। तो अभी अदर कोटा की 787 सीट से बची हुई हैं, ये कितने सीटें भरी जाती हैं, उसके बाद में बची हुई सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में चली जाएंगी कॉलेज को, और वो फीस नेगोशिएट करके उसके बाद में सीट अलॉट की जाएंगी वो आपको। अभी हम बात करें कि जो 18th को मोपअप राउंड हुआ था वो एनआरआई कैंडिडेट के लिए हुआ था, लेकिन 19th को जो ऑल इंडिया 1 से लेके ऑल इंडिया 40,000 तक हुआ था, वो टोटल उसमें जो सीटें वैकेंट रही थी अलॉटमेंट होने के बाद 19th दिसंबर 2020 को, वो टोटल 193 सीट्स बची थी। इन 193 सीट्स में 82 सीट्स हाई फीस की थी और 112 सीट्स लो फीस की थी। अभी हम बात करें इसमें कि जो इसमें दोपहर में अलॉटमेंट हुआ था वो 70,000 के नियर बाई रहा था। इस 70,000 में 520 मार्क्स तक सीटें अलॉट हुई थी। टोटल इसमें जो वैकेंट सीट थी वो 152 सीट्स थी, 82 सीट्स हाई फीस की थी और 70 सीट्स जो बची हुई थी वो लो फीस वाली बची हुई थी 19 तारीख तक शाम को। आज जो 20 तक हुआ है, 20 तक 9,000 तक हुआ है, यानी कि जिस कैंडिडेट के 496 मार्क्स थे उसको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बाद जो सीटें वैकेंट रही हैं वो लो फीस वाली 38 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। इसमें 38 सीट्स में मैंने आपको बता दिया है अलग अलग कौन सी कॉलेज में कौन सी सीट अभी कितनी सीटें बची हुई हैं वो अलग अलग बता दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेज इस बार हुआ है कर्नाटका मोपअप राउंड की काउंसलिंग में। अभी हम ये देखें कि इतना कम कट ऑफ जाने का क्या कारण रहा था। तो मोपअप राउंड में वैसे ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मार्क्स तक डाउन जाती है सेकंड राउंड से, लेकिन इस बार कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण ये था कि एक तो
जो स्टेट हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, बिहार का तो अभी सेकंड राउंड का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो इनके अभी सेकंड राउंड के रिजल्ट डिले हो गए थे, उससे पहले ही ये मोपअप हो गया इसका। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये हुआ कि स्टूडेंट अपने स्टेट का वेट कर रहे थे। पहला रीजन तो कट ऑफ सबसे कम जाने का ये था। दूसरा रीजन ये है कि राजस्थान स्टेट के काफी बच्चे जाते हैं कर्नाटका में, तो वो राजस्थान स्टेट का जो सेकंड राउंड था उसका सेकंड राउंड ऑफलाइन था, उसकी सीट अलॉटमेंट पहले हो चुकी थी और इस ऑफलाइन की कट ऑफ काफी ज्यादा गई थी, यानी कि जो राजस्थान के बच्चे थे 590 मार्क्स तक के बच्चों ने यहीं एडमिशन ले लिया। तीसरा जो रीजन और सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि अभी एग्जाम में टाइम काफी कम बचा है, स्टूडेंट न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं, 21 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस बार एडमिशन लेना कम पसंद कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट ने अपने स्टेट में एडमिशन ले लिया है, काफी स्टूडेंट तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन रहा है कट ऑफ कम होने का। इसके बाद जो एक और रीजन है ये है कि हमेशा जब इतनी कट ऑफ 20 या 30 नंबर डाउन जाती है मोपअप में, तो एक ये आइडिया सा था कि 560 से नीचे कर्नाटका की कट ऑफ नहीं जाएगी, तो 560 से जो नीचे थे स्टूडेंट उन्होंने वहां अटेंड नहीं की काउंसलिंग, वहां गए नहीं, और काउंसलिंग के लिए एक कंडीशन ये थी कि आपको 9,94,406 रुपए की वहां डीडी लेके जानी है, तो इस कारण से भी काफी स्टूडेंट वहां पहुंच नहीं पाए। अगर ये पता होता कि ये कट ऑफ इतनी डाउन चली जाएगी तो 560 से जो नीचे वाले स्टूडेंट थे वो स्टूडेंट काफी स्टूडेंट इस काउंसलिंग को अटेंड करने थे और कट ऑफ इतनी डाउन नहीं जानी थी। तो ये तो कारण रहा है, ये काफी सारे कारण रहे हैं कि मोपअप की जो कट ऑफ है वो डाउन क्यों गई है। अभी हम ये देखें कि जो फर्स्ट और सेकंड राउंड की जो कट ऑफ थी वो इतनी ज्यादा अप क्यों गई है। तो मैंने आपको पहले जब कर्नाटका का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने आपको ये बता दिया था कि कर्नाटका की फर्स्ट और सेकंड राउंड की कट ऑफ हाई जाएगी, मोपअप राउंड की कट ऑफ कम जाएगी। कारण ये था कि इस बार जो कर्नाटका में है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो काफी सारे कैंडिडेट्स ने जिनके अच्छे मार्क्स थे उन कैंडिडेट ने भी सीट अलॉट करवाई है इसमें, तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ज्यादा जाने का ये कारण रहा है। सेकेंड राउंड की कट ऑफ ज्यादा जाने का ये कारण रहा है कि कर्नाटका स्टेट में ये रूल है कि जो फर्स्ट में जो सीटें हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं सेकेंड राउंड के लिए। जो आपने चॉइस फिल की है, जो चॉइस फिल की है फर्स्ट राउंड में, वो सेकेंड राउंड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो जिन कैंडिडेट ने सेकेंड राउंड के लिए ऑप्शन नहीं हटाया है, यानी कि चॉइस फिल वो ही रखी है, तो उनको फिर से सीट अलॉट हो गई है। इसके कारण से सीट भी काफी सारी वैकेंट, 360 के नियर बाई सीट वैकेंट थी मोपअप राउंड के लिए, और स्टूडेंट ने ये सीट ली भी नहीं है क्योंकि इस बीच में उनको स्टेट में सीट मिल गई है। हालांकि उनको ये सेकंड राउंड से सीट में अपना मोपअप के लिए, सॉरी सेकंड राउंड के लिए इन्होंने ऑप्शन एंट्री हटा देना चाहिए था ताकि दूसरे स्टूडेंट को सीट मिल सके, लेकिन नहीं हटाने के कारण ये सीट काफी ज्यादा वैकेंट रह गई मोपअप राउंड के लिए। तो ये सारे कारण थे, बाकी इसकी शाम तक ऑल ओवर कट ऑफ आ जाएगी, कितनी कट ऑफ रहती है ये मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन इस बार ये एक ऐसा हुआ है कि ये पहले एक बार 2016 में हुआ था ऐसा। 2016 में क्या हुआ था कि उस समय डेडलाइन 31 अगस्त थी एडमिशन की, तो वहां 26 अगस्त को मोपअप पर कंप्लीट होके सब कार्रवाई हो चुकी थी। जिन बच्चों को एडमिशन मिला था, कॉलेज में ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद में 29 अगस्त को दो कॉलेजों को अचानक ही ये मान्यता मिल गई। उसमें श्रीदेवी कॉलेज था, एक दूसरा कॉलेज था, दोनों को मान्यता मिलने से उन्होंने एक स्पेशल राउंड रखा 30 अगस्त को, जिसमें स्टूडेंट पहुंच नहीं पाए, और नहीं पहुंचने के बाद में जो बच्चे प्रेजेंट थे वहां पर उनको सभी को सीट अलॉट कर दी। यानी कि उस समय जो क्वालिफाइंग स्कोर था
उस समय 220 के नियर बाई क्वालिफाइंग स्कोर था, उस क्वालिफाइंग स्कोर तक उन सब बच्चों को ये सीट अलॉट हुई थी। तो ये पहली बार 2016 में हुआ था और दूसरी बार इस प्रकार से 2020 में हुआ है। ये एक इतिहास बन गया है कि कर्नाटका स्टेट की इतनी ज्यादा सीटें वैकेंट रही हैं मोपप राउंड में। दूसरा एक कारण ये भी है कि कर्नाटका स्टेट की जो इस बार फीस इंक्रीज हुई थी वो 25% इंक्रीज हुई थी। बच्चे बीच में डिम्ड में भी निकल गए, अपने स्टेट के प्राइवेट्स में भी निकल गए, काफी सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी के लिए भी अपना मन बना लिया है। तो देखते हैं इसकी ऑल आउट कट ऑफ क्या रहती है, जैसे ही इसके बारे में कोई सूचना मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक मैं हर्षा चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।